तो गाइज आप लोगों के जो भी टॉपिक कमेंट मतलब जो भी टॉपिक समझ में नहीं आते हैं उसे आप कमेंट करिएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के अनुसार रहेगा। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, टाइम की थोड़ा एडजस्टमेंट है। देखिए मैं एक टॉपिक लिया हूँ सॉन्ग का, स्ट्रेस। ये देखिए मेरा छोटा सा एक नोटबुक है, इसमें मैं कुछ लिखा हूँ जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैं एक स्ट्रेस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे ऊपर जो मेन लिखा हूँ इसका, टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जनरली आप लोग दो भी बोलते हैं, नहीं तीन प्रकार के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और इसका हिंदी भी लिखा हूँ, अभिलंब प्रतिबल, तापीय प्रतिबल, अपरूपण और कर्तन प्रतिबल, ओके। अब बात आती है, मोटा मोटी जान लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस किसे कहते हैं। देखिए जब लंबवत आप फोर्स लगाएंगे ना, उसके कारण उस पार्टिकुलर जो बॉडी है उसमें से जो फोर्स प्रोड्यूस होंगे लंबवत, वो एकांक एरिया पे जितना फोर्स लगाएंगे उसे हम अभिलंब प्रतिबल करते हैं, ओके। अब तापीय प्रतिबल किसे कहते हैं? ताप के कारण जो प्रतिबल प्रोड्यूस होगा उसे हम तापीय प्रतिबल कहेंगे। अपरूपण या कर्तन प्रतिबल किसे कहते हैं? देखिए जो फोर्स आप किसी पिंड पे लगा रहे हैं, जैसे ये हमारा पिंड है, ये हमारा पिंड है, अगर इसके ऊपरी सतह पे फोर्स लगाए ना, इसके ऊपरी सतह पे, तो इसके अंदर पार्टिकुलर स्पेस में दूसरी दिशा में, यानी जो फोर्स है ना, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके समांतर फोर्स लग रही है, तो उसके कारण जो प्रत्येक यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसे अपरूपण प्रतिबल कहेंगे। इसे जर्नल में बताएं चीरने वाला फोर्स, काटने वाला फोर्स, स्लिप करने वाला फोर्स कह सकते हैं, ओके। अब बात आती है अभिलंब प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तीन प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस, फ्लेक्जुरल स्ट्रेस। इसकी हिंदी मैंने लिखा है बियरिंग का धारण प्रतिबल और फ्लेक्जुरल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस यानी नमन प्रतिबल। और शियर स्ट्रेस दो प्रकार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बात ये कर लेते हैं डायरेक्ट जो स्ट्रेस होते हैं वो भी दो प्रकार के, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेस किसे कहते हैं नॉर्मल में, और कंप्रेसिव स्ट्रेस किसे कहते हैं नॉर्मल में। देखिए ये आपकी कलम है, ओके, इसे मैं फोर्स लगा के बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। जब बाहर की तरफ खींचूंगा ना तो इसमें टेंसाइल उत्पन्न होगा, बट अंतर के पार्टिकुलर में कंप्रेशन आएगा, वैसे सेम कंप्रेशन। अगर इसे मैं दबा रहा हूँ ना बाहर की तरफ से, जब दबाऊंगा इसे ऐसे दबाऊंगा तो अंदर की तरफ क्या होगा, इसमें कंप्रेशन, मतलब इसके अंदर पार्टिकल में तो टेंसाइल होगा बट बाहर से कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये होगा संपीड़न। अब बात आती है बियरिंग, बियरिंग धारण प्रतिबल हम किसे कहते हैं। देखिए प्रति कॉन्टेक्ट एरिया पे, ये भी कंप्रेशन फोर्स होता है जो कॉन्टेक्ट एरिया पे लगता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे बैराज वगैरह, पुल वगैरह जो होते हैं उन पे बेयरिंग प्लेटें बनाई जाती हैं, या मशीन जो छोटे छोटे मशीन होते हैं उनके फाउंडेशन भी बेयरिंग प्लेट के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्ट एरिया, जैसे मानिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपका कॉलम है और यहाँ पर आपका बीम है, तो इस स्पेस पे जो आपका बन रहा है ना, इस कॉन्टेक्ट एरिया पे, वो आपका आएगा बियरिंग स्ट्रेस, ओके। अब बात आती है फ्लेक्जरल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो ये आपकी सीधी सी बात है, मुड़ने के कारण जो एकांक एरिया पे, देखिए जो बीम होते हैं, बीम के बेंडिंग होने के कारण जो पर्टिकुलर प्रति उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम फ्लेक्जरल स्ट्रेस कहते हैं। इसका डायग्राम अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। अब बात आती है शियर स्ट्रेस में, दो स्ट्रेस में दिखा रखा हूँ, एक डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और एक इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो एक किसे कहते हैं डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस किसे कहेंगे। देखिए सिंपल सी एक मैं आप लोगों को डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम है। अगर फोर्स मैं ऊपर से इस पर लगाया तो ये बॉडी कुछ कटने की ऐसे प्रयास करेगी। जब ये फोर्स ऊपर से लग रहा है तो इस पे, इस सतह पे ऊपर की तरफ, इस सतह पे नीचे की तरफ, यानी कुछ ऐसे फोर्स का, यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्स का कंट्रीब्यूशन, दोनों एक दूसरे से समांतर है और दोनों कट रहे हैं, ठीक, परपेंडिकुलर मतलब समांतर हैं, पैरेलल है और दोनों कटने की, एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो इसके कारण जो आएगा वो डायरेक्ट शियर आएगा, ओके। और इसी अगर बॉडी पे मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ, देखिए ये है, और इस पे मैं ऐसा फोर्स लगा दिया, ठीक, तो इसके मैं इस एंगल पे जो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स हम काउंट करेंगे उसे हम इनडायरेक्ट मिलेंगे। अब कैसे लेंगे, देखिए इसको यहाँ से मिला देते हैं, ओके। चलिए इसका मैं डायग्राम में आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस का मैंने नोट बना रखा है, देखिए इस पे फोर्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे, और इस फोर्स के कारण देखिए ये थीटा एंगल पे आपका तो नॉर्मल स्ट्रेस चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर रखता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस इस पे परपेंडिकुलर आएगा। ये इंक्लाइंड आपको मैंने एक प्लेन ले लिया है, इंक्लाइंड प्लेन,
ठीक है। और इसको देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कैसे, अब देखिए इसको थीटा पे जाएगा तो ये जानते हैं जिसके साथ कोण बनता है वो कास घटक होता है, जिसके साथ नहीं बनता है वो साइन घटक होता है। तो इस फोर्स के दो घटक टूटेंगे, एक तो कास घटक और एक साइन घटक। ओके, ये तो परपेंडिकुलर इस पर अप्लाई होगा और ये इस पर इसी सतह के समांतर अप्लाई होगा। तो क्या होगा, इस सतह के यानी पी साइन थीटा घटक के कारण इस पर जो फोर्स यानी जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, इन डायरेक्ट शियर। ओके, और जो पी कास थीटा के वजह से जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ओके, इसे भी हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया, आपको मैंने बता ही दिया हूँ कि डायरेक्ट शियर किसे कहते हैं, जो फोर्स प्रोड्यूज हो रहे हैं और यहाँ पर दिखा दिया डायरेक्ट कैसे स्लिप हो रहे हैं। ओके, और इनडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पी साइन थीटा इज पैरेलल टू प्लेन, सो देयर विल बी शियर स्ट्रेस ऑन इनक्लाइंड प्लेन ड्यू टू पी साइन थीटा। जो इनक्लाइंड प्लेन पे जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा वो पी साइन थीटा के कारण होगा और इसी को हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। अब इसे निकालने की ये विधि कुछ बना रखे हैं तो ये तो आपको डेरिवेशन में पता चलेगा, बट आपको बस इतना पता करिए कि ये स्ट्रेस किसे कहते हैं। देखिए थोड़ा बहुत और देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बेंडिंग स्ट्रेस का, कुछ मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना रखे हैं। देखिए जब इस बीम को हमने बेंड किया है तो इस पे नीचे की तरफ सभी लोग जानते हैं क्या आता है, कंप्रेशन, सॉरी नीचे की तरफ तो टेंसाइल फोर्स उत्पन्न होती है और ऊपर की तरफ कंप्रेशन, नीचे टेंसाइल जोन होता है ऊपर कंप्रेशन जोन होता है, जिसका मैंने यहाँ पे लाइन डायग्राम बना रखे हैं, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है और यहाँ पे देखिए इसी आप देख रहे हैं ना, ये जो न्यूट्रल एक्सिस उसके आधे इस तरफ भी बना सकते हैं या दोनों को एक तरफ भी बना सकते हैं, बट देखिए इनकी डायरेक्शन अलग अलग रहनी चाहिए, एक तरफ की इधर तो एक तरफ की इधर, क्योंकि दूसरे तरफ टेंसाइल है तो एक तरफ कंप्रेशन है। इस पर आप बेंडिंग इक्वेशन, जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसका एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ब्रॉड लंबा होता है, मैंने शॉर्ट में लिखा है एम बाई आर इजक्ल टू सिग्मा बाई वाई इजक्ल टू ई बाई आर। ओके, यहाँ से आप स्ट्रेस ये निकाल सकते हैं, जो सिग्मा मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, जो एम है बेंडिंग मोमेंट, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा न्यूट्रल एक्सिस वाई दूरी पे स्ट्रेस है और ई है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये आपका मैंने लिख रखा है बेंडिंग इक्वेशन। देखिए यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस कटेक्ट एरिया, जैसे यहाँ पे बीम रहा है, यहाँ पे कॉलम नीचे फुटिंग, यहाँ पे मैं इस एरिया पे लग रहा है ना, वहाँ बेयरिंग कंटेक्ट बिटवीन बीम एंड कॉलम पे बियरिंग लग रही है, फिर कंटेक्ट बिटवीन कॉलम एंड फुटिंग पे लग रही है। ओके, तो मैं बियरिंग का बना रखा है और यहाँ पे लिख रखे हैं सूत्र, बियरिंग स्ट्रेस इज लोड अपन कंटेक्ट एरिया। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन भी कर रखे हैं, क्वेश्चन से उतना हमें मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में कुछ दिखा दे रहे हैं डाइग्राम में, कैसे फोर्स हमने अप्लाई किया अंदर की तरह कंप्रेशन में, कंप्रेशन में क्या हुआ, प्रोड्यूज हुआ। ओके, तो इक्विलिब्रियम में मैंने यहाँ पे भी इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख रखा है कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ऐसे ही आपका यहाँ पे मैंने कंप्रेशन में भी लिख रखे हैं, जब इसे कंप्रेस किया रहे तो अंदर की तरफ बाहर टेंशन में जा रहा है फोर्स। ओके, तो ये आपका जहाँ तक हमें संभव है कि आप लोग इसे इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जो देखिए जिस टॉपिक से आपको समझ में नहीं आती है वो टॉपिक आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो बना के आप अपलोड कर दूंगा। जो ड्राइंग है, सोम है, हाइड्रोलिक्स है, सर्वे है, जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक मैं उस पर, क्योंकि समय तो टाइम है नहीं कि मैं पूरी लेक्चर पढ़ाऊँ, पूरी बुक पढ़ाऊँ, समय की थोड़ा एडजस्टमेंट है, तो ऐसे में आप लोग कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।